फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं कलर्स टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाला एक बड़ा ही खूबसूरत शो जिसका नाम है सिलसिला बदलते रिश्तों का के मेन लीड्स के बारे में। जी हाँ, आपने हमेशा कुणाल नंदिनी और मौली का ही बॉन्ड देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे इन तीनों ही स्टार्स की अपनी अपनी एक अलग जिंदगी है। जी हाँ, इनके चाहने वाले भी ऑन स्क्रीन से अलग हैं, जिनके साथ ये टाइम स्पेंड करते हैं उनके चेहरे भी अलग हैं। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे दृष्टिधामी से लेकर अदिति शर्मा तक और कुणाल यानी कि आप सभी के शक्ति अरोरा के रियल लाइफ पार्टनर्स। आज हम आपको बताएंगे कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं ये लोग आपस में, किसकी बनती है किससे कितनी, और किसका मिजाज है सबसे ज़्यादा हटके और कौन है एकदम जॉली नेचर का। साथ ही आपको आज हम ये दिखाएंगे कि जब ये अपने को एक्टर यानी कि राजदीप के शादी अटेंड करने पहुंचे थे तो उस दौरान कैसा था इन सारे स्टार्स का लुक, किस अंदाज में ये अपने अपने लव पार्टनर्स के साथ आए थे नज़र। और आपको ये भी सुनवाएंगे कि राजदीप अपनी शादी पर किस तरह का महसूस कर रहे थे अपनी वाइफ के पास क्लोज होने के बाद। साथ ही आपको दिखाएंगे पर्दे के पीछे की पूरी कहानी कि किस तरह से इन सभी स्टार्स ने दी थी अपने को आर्टिस्ट राजदीप को बड़ी ही खूबसूरत तरीके से ब्लेसिंग कि वो और उनकी वाइफ का हमेशा रहे रिलेशन फॉर एवर एकदम परफेक्ट। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं ये सिलसिला और आपको दिखाते हैं सिलसिला बदलते रिश्तों का ये बदला हुआ रूप यानी कि उनके रियल लाइफ लव पार्टनर्स जिनको आपने शायद अब तक नहीं देखा होगा। तो अंदर इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं उस दौरान की इनकी कुछ झलक जब ये लोग अपने को आर्टिस्ट रणदीप राय यानी कि माफ कीजिएगा रणदीप राय नहीं बल्कि अपने को आर्टिस्ट रणदीप के शादी के मौके पर किस तरह से बड़े ही खूबसूरती से ये पहुंचे थे राजदीप को और उनकी वाइफ को विश करने। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं ये इनके रियल लव पार्टनर्स के साथ में दिखाने का ये सिलसिला। आप सभी का फेवरेट सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का में तीनों ही खूबसूरत और बेहतरीन एक्टिंग के साथ नजर आने वाले ये फ्रेश फेसेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दृष्टिधामी यानी कि नंदिनी, शक्ति अरोरा आपके कुणाल, और अदिति शर्मा यानी कि आप सभी की क्यूट भोली सी मौली की पर्सनल लव स्टोरीज के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ऑन स्क्रीन अपने लव रोमांस का जादू चलाने वाले ये सभी खूबसूरत पेयर असल जिंदगी में अपने लव पार्टनर के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं और किसकी लव स्टोरी है किस तरीके से खास। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले आपकी खूबसूरत एक्ट्रेस अदिति शर्मा यानी कि मौली के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप सभी की मौली यानी कि अदिति शर्मा को उनका प्यार एक रियल शो के सेट पर मिला। जी हाँ, जब अदिति शर्मा ने अपने खूबसूरत से अपने डैशिंग से गोल्ड स्टार के साथ जी सिने स्टार की खोज जो कि साल 2014 में आया करता था उसके साथ पेयर अप हुआ तो उन्होंने एक साथ मिलकर एक ऑन स्क्रीन जोड़ी एक रियलिटी जोड़ी के बतौर ये शो जीता और बस यहीं से इनके प्यार की खूबसूरत जर्नी शुरू हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदिति और सरवार सबसे पहले टैलेंट शो जी सिने स्टार की खोज जो कि साल 2004 में टेलीकास्ट होता था उसमें एक साथ दिखे थे। इसके बाद उन्होंने कई सारे और कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए जैसे कि उन्होंने फर्स्ट फिल्म खन्ना एंड अय्यर इसमें भी इन दोनों को एक ही फिल्म में एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट होते हुए देखा गया था। तो वहीं ऑडियंस के मुताबिक इन दोनों की जोड़ी उस दौरान की सबसे खूबसूरत डेब्यू जोड़ी इसमें से एक थी। खबरों की माने तो साल 2014 में आने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और बाद में इनकी दोस्ती प्यार में बदलती चली गई। इसके बाद इन दोनों कपल को थोड़े दिन बाद एक मूवी कुछ खट्टा कुछ मीठा में एक दूसरे के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करते देखा गया जिसके बाद इस बात की कॉन्फर्मेशन हर किसी को लग गई थी कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को शायद डेट कर रहे हैं। अगर बात की जाए इन दोनों के लव अफेयर खबरों की तो इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को प्यार को छुपाने की कोशिश नहीं की
लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क अनुभव छुपाए नहीं छुपते, और ऐसा ही कुछ हुआ इन दोनों के लव अफेयर के साथ भी। यानी कि आफ्टर 10 ईयर अलॉन्ग कोर्टशिप अदिति एंड स्वराज टुक द वेडिंग प्लंग इन जून 2015। जी हाँ, 2014 में अदिति ने फाइनली अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके अपनी रियल लव स्टोरी सक्सेसफुल बनाई। तो चलिए अब बात करते हैं मधुबाला यानी कि आप सभी की दृष्टि, जिन्हें आप नंदिनी के रोल में इन दिनों देख रहे थे। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताएं तो दृष्टि धामी ने अपने स्मॉल स्क्रीन पर लाख करोड़ों लोगों के दिल जीत कर इस बात को प्रूव कर दिया है कि वो एक काफी अच्छी और खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि दृष्टि ने फरवरी 21 साल 2015 में नीरज खेमका, जो कि उनके एक लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रहे हैं, उनके साथ पूरे हिंदू रीति रिवाज से मुंबई में शादी की। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि दृष्टि धामी ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था परदेश में है मेरा दिल आने के बाद, जिसके बाद वो एक लंबे ब्रेक के बाद बड़े ही गजब के कैरेक्टर के साथ सिलसिला बदलते रिश्तों का में नंदिनी के अवतार में आपको नजर आई थी। यहाँ पर आपको इनकी केमिस्ट्री कुणाल के साथ बेहद पसंद आई, लेकिन अगर बात करें इनकी और इनके रियल लव पार्टनर यानी कि इनके हस्बैंड की, तो कई दफा इन दोनों को बेहद रोमांटिक और खूबसूरत पल बिताते देखा गया है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि दृष्टि धामी उन दिनों भी कॉन्ट्रोवर्सीज का सबब बन गई थी जब एक दौरान उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी बर्थडे या एनिवर्सरी के मौके पर अपने हस्बैंड के साथ लिप लॉक करते हुए अपनी फोटो पोस्ट की थी, जिसके बाद हर तरफ सुर्खियों में दृष्टि धामी एक बार फिर से अपनी जगह बना चुकी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आप सभी के फेवरेट कुणाल यानी कि शक्ति अरोरा और नेहा सक्सेना की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि नेहा सक्सेना कुणाल यानी कि शक्ति अरोरा की असल जिंदगी की लव पार्टनर का नाम है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इन दोनों की मुलाकात साल 2010 में स्टार प्लस का सीरियल तेरे लिए के सेट पर हुई थी, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे के ऑपोजिट इस सीरियल में काम किया था। वहीं से शक्ति को नेहा इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने अपने प्यार की रफ्तार यहीं से पकड़ी और आगे चलकर शादी के बंधन में इन दोनों को देखा गया, जहां पर सीरियल तेरे लिए में इन दोनों की अमेजिंग केमिस्ट्री को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, तो उतने ही मैडली और जीत भी कि प्यार में डूबे इन दोनों भी नजर आते हैं। और अक्सर इस बात का सबूत आप शक्ति अरोरा यानी कि अपने कुणाल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं, इन दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं, जिसमें आपको इन दोनों का प्यार साफ तौर पे नजर आएगा। तो चलिए अब आपको इन लोगों के कुछ खास स्पेशल बॉन्ड वाले वो मोमेंट दिखाते हैं जो इन सभी ने अपने को एक्टर की शादी पर उन्हें दुआ देते हुए और एक दूसरे के साथ बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस पार्टी में शिरकत की थी। दोनों के लिए क्या विश चाहिए आपके शादी में? दूधो ना फूतो फलो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो, सदा साथ में रहो एंड वेलकम टू द क्लब। जिंदगी भर बस सॉरी बोलते रहो ताकि ताकि आप हमेशा खुश रह सकें और हमेशा अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो और बोलो कि आप कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं, वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस ये बोलते रहो, आप जिंदगी भर खुश रहोगे। हमेशा हर वक्त करता हूँ मैं तारीफ इनकी, विदिन से अंदर से निकलती है तारीफ। हर प्रॉमिस फॉलो कर रहा हूँ, मैंने अब तक कोई प्रॉमिस तोड़ी नहीं है। कैमरा में तो बोलना ही पड़ेगा, 500 रुपए दिए थे ना, दे देना जाके, आजकल वैसी कमाई नहीं हो रही है। अच्छा 2000 दे दूंगा। तारीफ करूं? आज के दिन के लिए कितनी तैयारियां की हैं? बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम में आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा तैयारियाँ नहीं की हैं, दोनों का रैंडम था, इसका भी रैंडम था और मेरा भी रैंडम था, वी जस्ट सेंट ईच अदर द ऑप्शंस एंड वी डिसाइडेड व्हाट टू वेयर। कौन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है या फिर कौन सजेस्ट करता है कि क्या पहनना है? और अच्छी बीवी का ये टिप है कि बस पति की हाँ मैं ऐसे हाँ हाँ यस जो आप कभी भी नहीं करती। यस आई ऑलवेज कभी भी नहीं करती। शादी की तो आपने कितना मिस किया आपको शूटिंग में?
मैंने तो बहुत मिस किया, मैंने बहुत कहा अभिनव को कि प्लीज मुझे बुला लो, शिमला में बुला लो, लुधियाना में बुला लो वेडिंग के लिए, ताकि मुझे शूटिंग से एक दो दिन की छुट्टी मिल जाए. पर ही डिडंट कॉल अस, ही सेड सॉरी नो बजट, वी कैन कॉल यू ओनली इन मुंबई. आई थिंक वो अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा. आई एम जस्ट वेटिंग टू मीट हिम एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम. थैंक यू सो मच. आ रहे हैं तो यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग इनसाइड एंड हैविंग सम ग्रेट टाइम. आई एम जस्ट वेयरिंग अनारकली एंड डायमंड इयररिंग्स, दैट्स इट. थैंक यू. अबाउट मी, आई एम जस्ट वेयरिंग व्हाट माय वाइफ चूज फॉर मी. I just want to say thank you so much for so much appreciation. बहुत टाइम बाद मुझे फैंस से मैसेजेस मिल रहे हैं दैट वी आर लविंग योर परफॉर्मेंस, वी आर लविंग द लुक ऑफ द शो. सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स एंड प्लीज वॉच आर शो. वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. दृष्टि और अभिनव को, दृष्टि और अभिनव एक दूसरे से दूर रहना. दृष्टि और अभिनव दे प्ले अ कपल इन आवर शो आल्सो, सो इट्स फाइन. हां तो दृष्टि ऑफ स्क्रीन उससे दूर रहना, अब इसकी शादी हो गई है तो लेट हिम जस्ट लिव इन हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. रुबीना एंड अभिनव हम उन्हें विश करना चाहेंगे बहुत सारी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स एंड आई थिंक दे आर वेरी वेरी कंपैटिबल. मैं तो अभिनव को बिकॉज वी आर शूटिंग टुगेदर, उनके काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स ऑन सेट ही चल रहे थे क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था, छुट्टी नहीं मिल रही थी बिकॉज ही हैड सम डेज ऑफ, शादी के लिए ऑफ थे. तो सेट पे ही बहुत सारी तैयारियाँ चलती थी, नहीं वॉज ऑलवेज ऑन फोन टेलिंग कि नहीं ऐसा कॉस्ट्यूम, नहीं ऐसा कॉस्ट्यूम. सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द कपल कि यार फाइनली सबने क्या पहना है एंड हाउ इट्स गोना बी. कोई टिप्स नहीं दिए भाई, आई थिंक हर इंसान अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है, हर कपल की अपनी केमिस्ट्री होती है, किसी के टिप से कोई कोई मायने नहीं रखते. आई एम श्योर कि उन दोनों ने सोच समझ के शादी की है, बहुत अच्छी, जैसे आदिति सिंह की बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो आई एम श्योर दे आर गोना रॉक मैन. गुड लक. आई नो वी कुडंट गो शिमला में, आई थिंक उनका मेन फंक्शन लुधियाना एंड शिमला, बट वी कुडंट गो बिकॉज द शूटिंग, बट उसी के लिए तो उसने यहाँ पर करी और आप सबके लिए भी करी आई थिंक, सो दैट एवरीबडी कैन एक्चुअली मीट द ब्राइड एंड द ग्रूम. वो तो अभी अंदर जाके पता चलेगा, वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द धमाल क्योंकि उनकी शादी तो हो गई है अब टेक्निकली, सो हम तो सिर्फ मजे ही करने आए हैं. थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू. पहले तो देखा आपने कि हमेशा से ही ऑन स्क्रीन अपनी केमिस्ट्री का जादू चलाने वाले कुणाल और नंदिनी असल जिंदगी में अपने लाइफ पार्टनर के साथ हैं, काफी ज्यादा खुश. लेकिन आपको इन तीनों में से किसकी जोड़ी लगी सबसे ज्यादा हिट, किसका लुक लगा सबसे ज्यादा बेस्ट और किसके रियल लाइफ लव पार्टनर्स के बीच आपको लिखा वो लव वाला कनेक्शन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं. साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक शेयर और हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं आपको ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स.